अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما इलाही जब तक मेरे जिस्म में जान रहे मेरी ये तमन्ना है कि मेरे लब पे तेरा कुरआन रहे इलाही तो रहीम है तो करीम है शाह तेरी जात सबसे अजीम है तू करम अपना अता मौला तेरे करम पे हमको यकीन है मुख्तसर हम्द व सना तो बाद इमाम आजम इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते अकदस व अतहर व आला व अलवास्ते हजरत मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो मुअज्जजात मुकर्रमात रूहानी इस्लामी माओ और बहनों
अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बहुत बड़ा एहसान है कि जिस रब ने सानू दुनिया दे सारे काम छड़ के अपने घर मस्जिद दे अंदर इकट्ठे मिल बैठने दी तौफीक अता फरमाई है। खुतबा जुमा दी इस बाबरकत घड़ी दे अंदर मेरी दिली दुआ है कि जिस तरह सी अल्लाह दे घर जामिया मस्जिद कुबा दे अंदर इकट्ठे हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस तरह सानू सारिआं नू जन्नत दे अंदर भी इकट्ठे मिल बैठना नसीब फरमाए। अल्लाह पाक साढ़े सारे आंदे कबीरा सगीरा गुनाह माफ फरमाए। जिदो मैं कुराने मजीद दे अंदर देखना हकूकुल इबाद नजर आंदे ने, कुराने मजीद दे अंदर वेखा मां दी शान नजर आंदी है, कुराने मजीद दे अंदर बुढ़े बाबे दा मुकाम नजर आंदा है, कुराने पाक दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हकूक नजर आंदे ने, कुराने मजीद दे अंदर नबी पाक दी शान समझाई जांदी है, कुराने मजीद दे अंदर नबियां दा मुकाम दसिया जांदा है, कुराने मजीद दे अंदर फरिश्तियां दा मुकाम दसिया जांदा है, कुराने मजीद दे अंदर बेनमाजी ते नमाजी दा तरीका दसिया जांदा है के बेनमाजी दियां सजावां की होनगियां नमाजी दे इनामात की होनगे, जिथे इस कुरान दे अंदर इन्ना चीजां दा दसिया जांदा है उथे जिस तरह मैं कुरान मजीद दी आयत मुबारका तुहाडे सामने तिलावत फरमाई है इहदे अंदर दसिया गया बेटी देना भी अल्लाह दे इख्तियार दे अंदर, बेटे देना भी अल्लाह दे इख्तियार दे अंदर, बेटी घर च हो जावे अपने मुंह दे उत्ते जनाब मनुसत न लेकर के आया कर, नबी पाक ने फरमाया जिदो इन्हां नूं जाके दसिया जांदा कि अल्लाह दी रहमत बेटी होई है, जल्ला वजहुहु मुसवद्दा फरमाया चेहरा काला स्याह हो जांदा है, इस तरह दा चेहरा न बनाया कर बल्कि अल्लाह दी रहमत दा सुन के अपने चेहरे अपने रुखसार से मुस्कुराहट ले आया कर, अल्हम्दुलिल्लाह किया कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत मेरे घर दे अंदर भेजिए, शुक्र अदा करिया कर, जिथे बेटी दा मुकाम कुरान ने दसिया, जिथे बेटे दी अजमत कुरान ने दसी है, सारिया चीजां दी अजमत सारे चीजां दे मुकामात कुरान दे अंदर आ गए, उथे है बहम दे नाल प्यार करन दा तरीका भी कुरान ने दसिया, बहम दे नाल मुहब्बत करन दा तरीका भी कुरान ने दसिया। अज मैं इंशाअल्लाह रहमान बयान करांगा बहन भाई दा प्यार किस तरह दा होना चाहिए, बहना ते अपने वीरां दे उत्तों धन मन धन कुर्बान कर दिया कर दिया, अत्ते इत्थे तक गल आ जांदी है, वीर कहंदा है अगर जायदाद का हिस्सा लेना है मेरे घर का दरवाजा बंद है मेरे घर दे अंदर ना आवी, रो करके कहंदी है वीरा मैं जायदाद दे अंदर हिस्सा नहीं लवांगी, खावन दे ताने बर्दाश्त कर लवांगी, अपने बच्चियां दियां गल्लां बर्दाश्त कर लवांगी, मगर मैं अपने वीर नु नहीं गवाना चाहती, वीर ना रिश्ता कायम रखना चाहनी हाँ। बहना नु जनाब एहो जिया धमकियां दे के इस तरह डरा के ना रखिया कर, जायदाद दा हिस्सा छड़िया मेरा घर दा बुआ छड़ दे, इन्ना बहना दे नाल मुहब्बत करिया कर प्यार करिया कर, कल नो जिदो असी छोटे होया कर दे, जिस तरह अज छोटे छोटे बच्चे घर दे अंदर आपस दे अंदर बहन भाई खेल दे लड़ पिया कर दे ने, एक दूसरे दे नाल झगड़ लिता एक दूसरे नु मार भी लिता, 10 मिनट 15 मिनट गुजरन तो बाद फिर इकट्ठे हो करके बैठ जांदे ने, क्या जांदे ए बच्चे बेअकल ने, इन्ना नु अकल नहीं है, वेखो हुणे ही लड़दे पे सी हुणे फिर इकट्ठे खेलदे पे ने, मैं कहना अज असी समझदार हो गए, अज सानू अकल आ गई, असी LLB कर लिता MBA MSc ते जनाब सारियां दुनिया दियां डिग्रियां ले लितियां, बचपन च नाराज हो के सुलह हो जाया करदी सी, अज अगर अपनी बहन ना नाराज हो जावे
सका वीर सके वीर ना नाराज हो जावे। कई कई सदियां नंग जांदियां है, कई कई साल नंग जांदे ने, पड़ा पड़ा नु बुलाना पसंद नहीं करता। हत्ता के अपने पुत्रा नु कहंदा, पुत्रो अगर मैं मर गया तुहाडा चाचा मेरे जनाजे नु भी आके हाथ ना लावे। ऐसे कुफड़िया लफज बोल के दुनिया तो चला जांदा है। बाबा आज तू ऐसे लफज बोल के दुनिया तो जाएगा, दस कल अल्लाह दी अदालत दे अंदर केड़ा मुंह ले करके जाएगा। ओए उस नबी दा कलमा पढ़िया है जेड़ा सुला नु तरजीह दिया करदा। आपस दे अंदर दो गिरोह आया कर दे, लड़ के आंदे ओना दी सुला करवा दिया करदा। अज उस नबी दा कलमा पढ़ के तू अपने दिल दे अंदर बुगज कीना रखी बैठा है। वीर वीर नु वेख के कहंदा है, मैं इनू वेखा मेरिया अखां दे अंदर खून उतर आंदा है। बहन दा दरवाजा मैं क्रॉस कर जावां, मेरे नालों वड्डा ते कोई झूठा नहीं होएगा, बेईमान नहीं होएगा। अपने आप नु गाली कढ़ के गुजर जांदा है वीर। अल्लाह दा कुरान कहंदा है, आपस दे अंदर रहनमाई, आपस दे अंदर मोहब्बत प्यार वाला सलूक रखिया कर। बहन भाई एक दूसरे दे वास्ते हमदर्द होया कर देने, एक दूसरे दा दर्द समझन वाले होया कर देने। जिदो अकल नहीं सी उदो दर्द समझ ना से, आज अकल मंद हो गया, आज दर्द समझ ना ही छट गया है। आइए जरा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान ते गौर फरमाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे कुरान मजीद दे अंदर ऐलान फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे कुरान मजीद दे अंदर ऐलान फरमाया, फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज यखलुकु मा यशा बोले मैं यशाओ इनासाओ व यहाँ बोले मैं यशाओ जगो आओ युजाओ वे जो हो मजुगरानाओ व इनासा व यज आलो मैं यशाओ अकीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहते ने सो पैदा करके दिखा दिया कर देने। जिस नबी दा कलमा पढ़िया उस नबी ते अल्लाह दा कुरान नाजल होया। अल्लाह दा कुरान कहंदा फरमाया, लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलै बिल मुमिनीना राऊफुर रहीम। उस नबी दा कलमा पढ़िया जेड़ा जनाब शफकत करन वाला, मोहब्बत करन वाला, अपने आप नु नरम रखन वाला। हत्ता के नबी पाक दी सकी बहन भी कोई नहीं है जेड़ी जनाब जिस दाई दा दुध पीते, दाई हलीमा ओदी बेटी छीमा ओनू नबी पाक दी बहन बन गई है। नबी पाक ना बड़ा प्यार करया कर दे, नबी पाक दे उस बहन दे नाल भी मोहब्बत करया कर दे। सकी मां छीमा नहीं है, मां आवे ते ओनू समान दे जनाब ट्रक फड़ के दे दिया कर दे। हत्ता के मैं ते इंज भी पढ़िया, एक दिन अम्मा जी छीमा आंदियां ते आके कहंदियां, पुत्रा घर दे अंदर खान वास्ते कुछ नहीं है। नबी पाक फरमांदे ने, खदीजा ऐ मेरी मां लगदी है, इहदे सीने तो मौला ने मैनू गजा दिती सी, मेरी मां आई है इनू खाली ना मोरी कुछ दे के पेते। एक ऊंटनी दे चाली बकरियां दे के कलाया जांदा, भले सकी मां नहीं हो ओदे ना मेरा महबूब प्यार करदा। तू सकी मां नू गालियां कढ़ना फिरना, सकी बहन नहीं हो सकी बहन ना महबूब प्यार करदा। तू सकी बहन नू कहना मेरे घर दा दरवाजा बंद है,
ओ अदालता पईया ओ ठाणा पिया जा जाके पर्चा कड़वा ले। मैं लिख के देनू त्यारा मैं अदालत च पैसा लगावांगा मगर जायदाद दा तेनू हिस्सा नहीं दवांगा। अज तू इस तरह दियां गल्लां लई बैठा नबी दे सहाबा बहना ना प्यार करन वाले नबी दे सहाबा पहना दे नाल मोहब्बत करन वाले। हजरत उमर फारूक नू पता चलदा कि मेरी बहन ने कलमा पढ़ लिता है, मेरी बहन ने कलमा पढ़ लिता है। हजरत उमर फारूक ना गुस्से दे नाल घर दे अंदरों निकल देने के आज मैं अपनी बहन नू मार छड़ांगा, बहन नू उंजी खत्म कर छड़ांगा। गुस्से दे इरादे दे नाल अपने घर चो निकल देने कतल कर छड़ांगा। वो कहन वाला कहंदा उमर जा पहले अपनी बहन नू जाके दे समझाना, ओनू ते जाके पुछना। हजरत उमर फारूक अपनी बहन घर दे अंदर आंदे आके दरवाजा खड़कांदे, बहनोई भी कुरान पढ़दा पिया, बहन भी कुरान पढ़दी पई है। हजरत उमर फारूक आंदे ने बहन ने कुरान छुपा के जल्दी जल्दी दरवाजा खोलिया। उमर अंदर आंदे आके कहंदे ने दस ना की पढ़नी पई है। बहन कहंदी उमर मैं कुरान पढ़नी पई हां। हजरत उमर फारूक अपने बहनोई सईद नु जमीन ते लटा लेंदे ने। उमर बहादुर इंसान है जमीन ते लटा के मारन लग पैंदे ने। बहन आके अपने वीर नु धक्का दे के कहंदी है पीछे हट जा, वेख ते सही ना जेड़ा कुरान असी पढ़ने आ, ओ तू भी ते सुन ले तेरी आखरत सवर जाएगी, मरण तो बाद तेनु जन्नत लभ जाएगी। बहन कुरान पकड़ लैंदी है, वीर अज तू अपने घर दे अंदर अपनी बहन दे नाल बैठ जाया कर, कदी ऐवी सवाल करया करना। मेरी बहना दस ना कुरान दे किन्ना किन्ना सूरतां दा तर्जमा याद कीता ए। बहना मेरे को कुरान सुनना, आपस दे अंदर कदी ऐवी ते करया करना। जोट करके कहंदा मौलाना साहब बस घर दे अंदर टीवी ड्रामा ही वेखने आ, घर दे अंदर बहन भाई बैठ के टीवी ड्रामा ही वेखने आ। यार टीवी दे अंदर बेहयाई कट्ठे बैठ के वेख लैंदे हो, जिथे रब दा कुरान पढ़न दियां गल्लां दियां उथे तेनु शर्मा लैके बैठ जांदियां ने। नहीं पढ़ सकदा नहीं सुना सकदा, बहन नू नहीं ना पढ़ के सुना सकदा, मैनू शर्म आंदी है। हजरत उमर फारूक फरमांदे बहना पढ़ के सुनाना, पढ़ के सुनाना। बहन इंज कुरान पकड़ लैंदी है, कुरान पकड़ के पढ़ना शुरू कर देंदी है। पढ़दी की है ताहा मा अंजल्ला इलैकल कुरआन लितशका, हले इतने लफ्ज पढ़े के उमर फारूक फरमांदे बहना फेर पढ़ के सुना। बहन फेर पढ़ के सुनन दिए, हजरत उमर फारूक दिया अखां दे अंदरों आंसू निकलन लग पैंदे। बहना फेर पढ़ के सुना, बहन फेर पढ़ के सुनन दिए, बहना फेर पढ़ के सुना, बहन फेर पढ़ के सुनन दिए। दीन नरमी ना दसन वास्ते आया, सख्ती दे नाल नहीं समझान वास्ते आया। बहन पेड़ पढ़ के सुनन दिए, सुनन तो बाद नाली कहंदे बहना मैनू उस नबी दे कोल ले जा जिदा तू कलमा पढ़िया, ओदे कोल मैनू लेके चली जाना। बहन कहंदी अंज नहीं ना लेके जावांगे, तू सरकारी चोर है किते मेरे महबूब नू नुकसान ना दे छड़े। बहना जंज भी लेके जाना ही लेके चली जा,
मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहनी चाहना वा मैनू उस नबी को ले जा। अल्लाह वाले ने तर्जमा कर दिता कहंदे कुरान बहन ने सुनिया, बहन ने सुनाया, वीर ने सुनिया ते जिंदगी बदल गई है। वे ताहा दिया ऐता हले वे पहलियां आईया सी बहन ने पढ़ के हले वीर नो सुनाया सी छम छम पे रोम दे नाले दिन दे दुहाइया सी जुआ दे नाल दाड़ी भिज गई सरदार दी रोई जम दे मैनू अस नबी दे कोल ले जा। बहन कहंदी है जे नहीं ना लेके जावांगे पहले तेरियां बावां बनांगे कर दे अंदर रस्सी लभदी है नहीं ना लभदी अपना इसाफा उतार के बहादुर उमर अपनी बहन नु देन लगे ने ले बहना मेरियां बावां बन ले बहन ने बावां बनिया खिचदी होई नबी पाक दे कोल लेके जा रही है इंज नबी पाक दे कोल जांदी है हजरत उमर फारूक इंज नबी पाक करीब जान लगे हजरत अमीर हमजा तलवार निकाल के कहंदे भतीजिया अगर ते अज उमर सही इरादे ना आया ते मोस्ट वेलकम अगर गलत इरादे ना आया मैं दी गर्दन उतार छड़ांगा फरमाया चचा ठहर जा अज ए आनी रिया बल्कि रब ने कला दिता नबी पाक आए ते नबी पाक फरमांदे दस ना यार केड़ी चीज तेनू लेके आईए अल्लाह वाले ने तर्जमा लिख देता वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है अचानक ये तब्दीली फिर बताओ कैसे आई है सुनी मैंने बहन से जो लेकर तू किताब आया इतनिया गल्ला कीतिया नबी पाक को आंदे नबी पाक ने कलमा पढ़ाया मुसलमान हो जांदे ने बहन ने वीर दी किस्मत बदल दीती इस दीन दे अंदर अगर वेखते सही ना मैं ते मुतालिया करके आया पढ़ के आया कितनिया बहना दे वाकयात मिलनगे जिन्ना वीरा दिया जिंदगियां बदल दीतियां वे अपनी बहन दे नाल मुहब्बत करया करना है ना क्या कर बहना तेनू व्याह दिता मगरों ला दिता अपने घर चढ़िया करना साढ़े घर च ना आया करना इस तरह दियां गल्लां ना करिया करना मेरे पैगंबर दा एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इंज मैदाने जहाद दे अंदर शहीद हो जांदे ने ओह दे मैदान दे अंदर कट जांदे ने उहनां दा बेटा हजरत जाफर जेड़े ने ना घर दे अंदर चले जांदे दो चार दिन हफ्ता महीने तो बाद नबी पाक दी खिदमत च हाजिर हुंदे ने नबी पाक नु आके कहंदे सोनिया कल मेरी बरात ते अज मेरा वली मां मेरे वलीमे दे अंदर तशरीफ ले आया जे नबी पाक फरमांदे यार जाबर दसते सही ना शादी की दे ना कीती हो हजरत जाबर फरमांदे सोनिया महबूबा ज़ैफुल उमर और दे नाल मैं निकाह कीता फरमाया यार तू भी खूबसूरत है तेनू ते नौजवान लड़की भी लभ जानी सी ज़ैफुल उमर और दे नाल क्यों निकाह कीता रो के कहंदे सोनिया केड़ी गल पुछ बैठे हो ओह दे मैदान दे अंदर बाबा कट गया ओह दे मैदान दे अंदर बाबा शहीद खोन लगा ते मेरा बाजू पकड़ के कहंदा मेरा बाजू पकड़ के कहंदा के यार इंज करना अपनिया बहना नु अपनिया बेटियां समझ के बूवे तो उठावे इन्हां नु बोझ ना समझी बल्कि अपनिया बहना नु अपनिया बेटियां समझी कहंदे सोनिया महबूबा फिर मैं सोचिया कि अगर मैं नौजवान लड़की ना निकाह करांगा वो मेरियां बहना नु अपनियां बेटियां ते नहीं ना समझेगी ऐस करके ज़ैफुल उमर औरत दे नाल मैं निकाह कीता अपनियां बहना दे पीछे मैं अपनी जवानी नु नहीं देखिया बहना दी जिंदगी बनान वास्ते ज़ैफुल उमर औरत दे नाल निकाह कीता नबी पाक फरमांदे जाबर तेनू अल्लाह
जन्नत अता करेगा, जन्नत अता करेगा। बाप दी गल दे उते इतना पक्का यकीन करन वाला, बाप दी गल नु मन के दिखान वाला, बहना दी खातर अपनी जवानी गुजारन देन वाला बंदा, बहना दी खातर अपनी जवानी नु छड़ दिता, सही फुल उम्र दे नाल निकाह कर लेता। बेते सही ना नबी पाक ने बहना दी वजह तो जाबर दी गल सुन के जन्नत दिया बशारतां दे दितिया। यार अज अपनी बहन ना नफरत करना, ओ नौ बहना नु अपने बूवे तो उठाया, नौ बहना दिया शादियां करके अपने घर चो रुखसत कीता। अज मां या बाबा बीमार हो जान या दुनिया तो चले जान, उन्हां दी औलाद तेनू व्याहनी पै जावे, उन्हां दियां शादियां तेनू करनियां पै जान, ते तू रौला पा के बह जाना। मैं अपनी जनाब औलाद से आपा मेरे ते सुट गेने, ना ना वीरा इंज ना करिया करना। मां बाप दी जिम्मेदारी नू जिम्मेदारी समझेगा, मेरा रब तेनू जन्नत अता कर छड़ेगा। अगर मापे दुनिया तो चले गए ते अपनियां बहना दे ससुराल च चले जाया कर, जाके क्या करना बहना की होया, अम्मी नहीं है की होया, अब्बू नहीं है मैं जो है वहां, अपना दर्द मेनू दसना। मैं कहना दुनिया दे अंदर ओ अफजल बंदा, जिदे माल तो दी बहन नू भी फायदा पहुंचदा, ओदे वीरा नू भी फायदा पहुंचदा, ओदा माल ओदी बहन दे घर दे अंदर लग जावे। पता नहीं बहना कितनियां दुआवां देंदियां रहंदियां ने। अपनी बहन नू पुछिया करना बहना, घर दा खर्चा किस तरह चलदा, घर दे अखराजात किस तरह चलदे ने। मगर अज कहंदा मौलाना अगर बहन नू पुछा ते बीवी नाराज हुंदी ए, बीवी कहंदी ए अपने बच्चे पाल, असीं उन्हां दा ठेका ते नहीं ना लिता होया, ऐस करके मैं क्या करना। वे भाभियां नी कदी मावां बनिया, मावां ही मावां हुंदियां ने, मापिआं दे घर धीआं दे लई किदों कोई थावां हुंदियां ने। मां बाप चले जान इन्हां नूं मां बाप दी कमी महसूस ना होण दिआ करना। ऐसा वीर बन के दिखाना, ऐसा भाई बन के दिखाना, ओनू एंजी लगे के बाबा दुनिया तो गया, मगर मेरे वीर ने बाप वाला शफकत वाला हाथ मेरे सर दे उते रख दिता। वेखदे सही ना नबी पाक दी सकी बहन नहीं हो, नबी पाक दी सकी बहन नहीं है। ते एक दिन ना नबी पाक को आंदी है, जिदो हनाम दिया लोगा नू नबी पाक दे सहाबा पकड़ के लेके आ गए। बहन आ गई इलाके दिया लोगा, गया जा तेरा वीरे जाके उन्हों कह सिफारिश कर, साढ़े जितने लोग पकड़े गए ने गिरफ्तार हो गए उन्होंने छुड़वा के ले करके आ। बहन आ गई नबी पाक दी अदालत दे अंदर, नबी पाक दे कोल आई। सहाबा कहन लगे बीबी साडा जेड़ा नबी है ना औरतां दे नाल गल करना गवारा नहीं करता, मेरा नबी जेड़ा औरतां नू मिलना गवारा नहीं करता। कहन लगी जाओ जाके ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਹਿਣ ਛੀਮਾ ਆਈ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਮਾਂ ਹਲੀਮਾ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਛੀਮਾ ਆਈ ਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਿਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਮਾਈ ਏ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਣ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਛੀਮਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਏ, ਮੈਂ ਮਹਿਬੂਬੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ जल्दी जल्दी खड़े हो के फरमाया, जल्दी बुलाया जावे, ओ ते मेरी बहन लगदी है, ओ ते मेरी बहन जल्दी बुलाया जावे। अम्मा जी छीमा नबी पाक को आंदियां, आके अंज अपने जनाब अंज कपड़े नु हल्का जिहा साइड ते करके बाजू वखा के कहंदियां, याद आए बचपन दे अंदर तू खेलदियां खेलदियां मेनू दंदी वड्डी सी, अज भी ए निशान मौजूद है। नबी पाक ਮਨ ਦੇ ਬਹਿਨਾ ਦਾ
ਵਾਸਨਾ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਏ ਵੀਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਆਵੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹਿਣ ਦੱਸਦੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਏ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਹਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫਦੀਆ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਲੈਂਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਨਬੀ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਵੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਣ ਵੇ ਪੀਰ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਆ ਪੀੜਾ ਤੂੰ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਕਚੈਰੀ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸਨ ਦੂਰ ਦਵਾਰੀ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਣ ਗਏ ਪੀਰ ਜਗਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਏ ਸ਼ਾਨ ਉਚੇੜਾ ਸਹਾਬਾ ਤੇਰੇ ਪਕੜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਕਬੀਲਾ ਮੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਮਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਲੀਮਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਸਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾਲੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖੜਾਉਂਦੀ ਵੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਣ ਗਏ ਪੀਰ ਜਗਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਏ ਸ਼ਾਨ ਉਚੇੜਾ ਐ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਲਾਲਾ ਕੇ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹਿਣ ਆਵੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤੜਈ ਬਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਬਹਿਣ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਬਿਮਾਰ ਏ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਏ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਏ ਅੱਗੋ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਸਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਅਗਰ ਬਹਿਣ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਕਰ ਛੱਡੋ ਅੱਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਕਢਾਈ ਦੇ ਮਕਾਨ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਚਪਨਾ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜੀਆਂ ਨਾ ਡਾਲਿਆ ਕਰ ਬਲਕਿ ਨੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਮਹਾਨਾ ਅਸੀਂ 200-300 ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਕੀ ਬਹਿਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਏ ਕਿ ਬਰਫ ਦਾ ਛੰਨਾ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਸਖਾਵਤਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰੀ ਬਹਿਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਏ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਬਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਬਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਰ ਗਰੀਬ ਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ
है 2023 दे अंदर मगयाई दा टाइम जांदा पे आए चला जा अपने उस वीर दे कोलो जेड़ा गरीब है ओनू जाके कहना यार दस ना कोई चीज चाहिदी है मैं तेरा पाई ले आके दवांगा मैं तेरी सारिया जरूरतां पूरियां करांगा अल्लाह जानदा है ओ कुछ नहीं मंगेगा मगर मेरा रब तेनू सब कुछ अता कर छड़ेगा ख्याल करिया कर अपने बहन भाइयों दा इन्ना ना मोहब्बत करिया करना एक होर बहन दा वाकया सुनांदा जावा हजरत मूसा जिदो दुनिया दे उत्ते तशरीफ ले आए ने ना फिरौन कहन लगा कोई भी जेड़ा नौजवान बच्चा पैदा होएगा ओनू मार दिता जाएगा ओनू अपनी सल्तनत दा खतरा पै गया के कोई भी आएगा जेड़ा कल नू मेरी सल्तनत संभाल लवेगा हर एक बच्चे नु मार दिता जाएगा हजरत मूसा जी दो दुनिया दे तशरीफ ले आए ना इंज मां ने सीने ना लाया ते मां रो के कहंदी है अल्लाह हुन ही फौजां गिया मूसा मेरे को खिच के मार छड़न गिया अल्लाह दस ना मैं की करा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे उम्मे मूसा मूसा दी मां इंज करना एक लकड़ी दा संदूक ले लै ओदे अंदर मूसा नु रख के उपरों बंद कर दे अल्लाह जी फेर की करना फरमाया फिर इस दरिया दे अंदर बहा छड़ना अल्लाह जी मां लगनी है किस तरह मैं अपना पुत्र बहा सकनी हां फरमाया मैं रब कह रहा वा तेरा काम में बहा देना घूम कमा के तेरी चोली च पाना मैं रब दा काम है अल्लाह जी ठीक है ना इंज मूसा नु इंज संदूक च रखिया लकड़ी लगा दे जानदे हो ना मां ते डॉक्टर को गई होवे अपने बेटे नु लेके गई होवे डॉक्टर टीका लगान लगे मां साइड ते हट जांदी है मैं एदियां चीखां बर्दाश्त नहीं कर सकदी ओ भी ते मां है जिन्ने उठा के संदूक च रखिया संदूक उठा के दरिया च रखिया दरिया च रख के बहा दिता संदूक चल पैंदा बहन ना बहन हजरत मूसा दी बहन ना पैंदी है मां ऐ की करनी पई है बेटा अल्लाह दा हुक्म होया मूसा नु इंज दरिया च बहान दा हुक्म रब ने दिता इंज हजरत मूसा दरिया दे अंदर बहंदे होए जा रहे ने बहन दरिया दे किनारे नसदी जा रही है नसदी जा रही है नाल नाल अपने वीर नु संदूक दे अंदर वेखदी पई है जाके वेखदी है नमरूद दे दरबार दे कोल ना एक जगह उथे जाके संदूक अटक जांदा है ओदी बीवी ने वेख्या ओदी बीवी ने उठाया उठा के बच्चे नु अपने घर दे अंदर लेके चले जांदी है पीछे ही बहन ओदे दरबार दे अंदर आ जांदी है जदों इंज पहुंच जांदी है ना ओ कहन लगी ओदे घर वाली कि इतना खूबसूरत बच्चा इन्नू ते मैं नहीं ना मारन दवांगी इन्नू मैं अपना बेटा बना लवांगी दाइयां नु बुलाया जांदा दुध पिलावो उत्तों आवाज आंदी है फरमाया मूसा तू इन्ना दा दुध नहीं पीना इंज हर एक तांदी दाई आके दुध पिलांदी मूसा ने दुध ना पीता बहन करी भी खड़ी है दे कहंदी है एक दाई नु मैं जानियां अगर कहो मैं ओनू लेके आवां ओदा ए दुध पी लवेगा जाना ओनू लेके आना जल्दी जल्दी नसदी होई अपने घर च आंदी है अम्मा आना आके अपने बेटा मूसा नु दुध पिला ले मां नसी आंदी है सीने ना लांदी है दुध पिला दिए उतो आवाज आई फरमाया ऐ तेरी मां आ गई है दूध पी ले हजरत मूसा मां दा दूध पींदे सुबह शाम मां जाके दूध पिलाया कर दे अल्लाह ने कहा सी ना तेरा काम में दरिया च बहाना घूम कमा के तेरी गोद च पाना साडा काम है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा नु मां दे हाथा च वापस कर दिता
बहन की वजह तो बहन ने दाई का पता दसिया तो मां ही लगती है। इस करके मैं क्या करना वे हर शह ते कदर कदीर है तो जो चाहे सो करके दिखा देना। जंगल बिच बचे दे हेठ बैठो ठंडे पानी का चश्मा चला देना। जिस दरिया मूह सानू पार किया ओदे बिच फिरौन डुबा देना। बंद कमरे बिच मरियम ताई बेमौसमे फल पहुंचा देना। जे मकसद होवे जे हाथी नो मारने दा ओदे सुंड ते कीड़ी लड़ा देना। पर हाथी ते कीड़ी दी की निस्बत बस अपने कुदरत दे मंजर दिखा देना। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी शान है किसे नू रब ने जनाब मुकाम ज्यादा दे दिता, किसे नू कम दे दिता, पैसा किसे नू ज्यादा दे दिता, किसे नू कम दे दिता। मुहब्बत करिया कर अपने तो गरीब दे नाल, बहन भाइयों दे नाल सब तो पहले तावन करिया कर। आखरी बात ते मैं अपनी बात नू मुकांदा जावा, नबी पाक दे सहाबा यमन दे इलाके दे अंदर जांदे ने, कैदी बना के अपने इलाके दे अंदर नबी पाक को लेके आने ने। इंज जांदे ने अदी बिन हातम जेड़ा ओनू पकड़न वास्ते गए ने, अदी नस जांदा है। बहन सफाह पकड़ी जांदी है ओनू लिया के नबी पाक दे सामने खड़िया कर देने। सोनिया महबूबा एदा वीर अदी अदी नस गया है मगर सफाह नू पकड़ के ले आए आ। नबी पाक ने फरमाया सफाह दे सर दे उते दुपट्टा कोई नहीं। महबूबे पाक ने सब तो पहले अपने दुश्मन दी बेटी दे सिर दे उते दुपट्टा दिता, दुश्मन दी बहन दे सिर दे उते दुपट्टा दिता। इंज सर दे उते दुपट्टा आंदा है रोन लग पैंदी है ते कहन लगी मैनू मेरे वीर को छड़ के आओ ना। नबी पाक फरमांदे कोई गल नहीं तेरा वीर आएगा आके लेके चला जाएगा। दूसरा दिन आंदा नबी पाक करीब तो गुजरे कहंदी सोनिया मैनू मेरे वीर को छड़ के आओ ना, वीर तो बगैर मैं नहीं ना रह सकती। नबी पाक फरमांदे आएगा ते आके लेके चला जाएगा। तीसरे दिन रो के कहंदी है सोनिया ए जेड़े लेके आए ने तुहाडे सहाबा इन्हां नू कहो मैनू छड़ के आना। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा इन्हू बहन समझिया जे, मेरे सहाबा इन्हू बेटी समझिया जे। जाओ ना मेरे सहाबा इन्हू उथे छड़ के आवो जिथो लैके आए हो। मेरे पैगंबर दे सहाबा लैके उन्हू रुखसत हो जांदे ने। जिदो उस मुकाम दे उत्ते पहुंचदे अदी वेखदा है नौजवान बहन इतने नौजवाना दे नाल आई है ते आके जल्दी जल्दी कहंदा है नी मैनू ऐ ते दसना तेरी इज्जत सलामत रह गई है के नहीं रह गई। कहंदी है वीरा इन्हां दे बारे केड़ियां गल्लां करना है। इत्थों इक अल्लाह वाले ने तर्जमा कीता कहंदी की है, कहंदी है सुन वे वीरा जेड़े वांग फकीरा नाल ने मेरे आए पाया चपला खजी वालिया गल टाट जिन्ना ने पाए सर ते टोपिया जुड़िया होया पुरजे लीरा पर चेहरे चन्न बदर जो चमकर पर हालत वांग फकीरा वीरा लै गए सी मैनू ते लै आए ने मैनू बड़े ने नसीबा वाले अख चुक इन्ना तकिया नी मैनू इन्ने ने कड़मा वाले वीरा की पुछने हाल इन्ना दा वेखन वाला इन्ना दा चाला पर देखन वाला पीर इन्ना दा सोना मुहम्मद अरबी आला।
ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਕੋ ਚੱਲੀਏ। ਵੀਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਹਿਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਬਹਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬਹਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬਹਿਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਬਹਿਨ ਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬਹਿਨ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਸ ਸੁਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬਹਿਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੀਨ ਪੜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਚੀਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਓਏ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਲੋਹੜੀ ਚੀਮਾ ਝੂਲਾ ਝੁਲਾ ਕੇ, ਯਾ ਰੱਬੀ ਅਬ ਕੀ ਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾ ਕੇ, ਝੂਲਾ ਝੁਲਾਉਂਦੀ ਨਾਲੇ ਮੰਗਦੀ ਦੁਆਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਵਾਂ, ਮਾਨੇ ਜਵਾਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰੇ ਪਾ ਕੇ, ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਲੋਹੜੀ ਛੀਮਾ ਝੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਓਏ ਬਹਿਣਾ ਝੁਲਾਵਨ ਝੂਲੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਸੱਜ ਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੱਸਾਂ ਜ਼ਰਾ ਲੋਹੜੀ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਇੰਜ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਨਾਬ ਝੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲੈ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਭ ਜਾ ਵੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭੈਣਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਏ। ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਛੀਮਾ ਝੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਯਾ ਰੱਬੇ ਅਬ ਕੀ ਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਿਣਾਂ ਰੱਬਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੀਆਂ, ਛੀਮਾ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬਰਸੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਦੇ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਮਾ ਕੇ, ਯਾ ਰੱਬੇ ਅਬ ਕੀ ਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾ ਕੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਛੀਮਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸਕੀ ਬਹਿਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਹਿਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ, ਬਹਿਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਬਹਿਨ ਦੀ ਕਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਹਲੀਮਾ ਸਕੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਬੂਬੇ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਮੁਹੰਮਦ ਪੀਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੀਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਵੀਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ
फकीर दा हक ना मारे। अज तू अपने भरा दी फैक्ट्री ते कब्जा करके बैठ जाना है, प्लाट ते कब्जा करके बैठ जाना है। अदालतां बड़ियां पईयां ने, वीर वीर दा दुश्मन नजर आंदा है, भरा भरा नूं मारदा नजर आंदा है, भरा भरा दा गिरेबान पकड़दा नजर आंदा है। हजरात ऐसा ना कीजिए, मुहब्बत करिया कर, प्यार करिया कर, बहन भाई दे नाल मुहब्बत करिया कर। अल्लाह को दुआ है जो सुनिया जो सुनाया अमल दी तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।